बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। अल्लाह कीप यू सेफ एट होम्स। टुडे वी विल रिवाइज आवर होल चैप्टर नंबर 10, व्हिच इज योर रिवीजन लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर गैशियस एक्सचेंज। इट इज योर लेक्चर नंबर 1 टिल लेक्चर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैशियस एक्सचेंज हमने पढ़ा था कि गैशियस एक्सचेंज क्या होती है। हमारी बॉडी में गैसेस का अंदर जाना और फिर बाद में अंदर से एक्सचेंज होकर मटेरियल का, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर रह जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आ जाना, उसको नाम देते हैं हम लोग गैशियस एक्सचेंज का। ठीक है, आपके बुक में आपके फर्स्ट जो पेज है उसके ऊपर गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है। फर्स्ट आपके जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर आपकी गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है और ब्रीदिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें आपकी बॉडी इनहेल और एक्सहेल करती है, और कुछ ऐसे कह लें कि आपकी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं जो एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस, और उसके रिजल्ट में ब्रीदिंग आपका जो सा एक मैकेनिज्म है वो होता है। उसके बाद अगर हम पूरे एज अ होल अगर हम अपने चैप्टर की बात करते हैं, तो हमारे चैप्टर के अंदर पहले हम गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ा था यानी कि एनिमल्स में, फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ा था एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज का, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ा था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि ये गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स में 5 स्टेप्स में होती है। जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज इनसे होती है, और जो लास्ट वाला स्टेप है ये जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। सो पहला स्टेप क्या था? गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने पढ़ा होगा, आप बहुत पीछे से क्लासेस 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लीव्स में होते हैं, लीव्स की लोअर साइड पर होते हैं। तो जो लीव्स की लोअर साइड है वहां से हमारी गैशियस एक्सचेंज हो जाती है थ्रू स्टोमेटा। उसके बाद जो यंग लीव्स हैं उनकी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, क्यूटिकल से भी हमारे प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे यंग रूट्स हैं उनकी जनरल सरफेस से होती है। जो हमारी मैच्योर रूट्स हो जाती हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज नहीं होती है, लेकिन जो यंग रूट्स हैं उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज होती है। कहाँ से होती है? उनकी जनरल सरफेस पर से होती है। इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज लेंटिसेल्स से भी होती है। लेंटिसेल्स क्या थे? रेस्ड स्ट्रक्चर थे जो कि बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद गैशियस एक्सचेंज इन इक्वेटिक प्लांट्स थ्रू वाटर। जो इक्वेटिक प्लांट्स पानी में रहने वाले जो है प्लांट्स उनमें गैशियस एक्सचेंज किससे होती है? आपके पानी से होती है। हमारे पानी में ऑक्सीजन भी है, और अगर आपको पानी का फॉर्मूला याद है H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। सो वो पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में पूरा एक हमारी बॉडी का एक, अगर आप डायग्राम को देख रहे हो तो पूरा एक सिस्टम है जो कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं वो है, जिसके थ्रू हमारे अंदर एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज हो रही है। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट था एयर पैसेज वे और दूसरा पार्ट था आपका लंग्स। ठीक है, सो अगर हम एयर पैसेजवे को अगर हम पढ़ने लगे, मैंने आपको जब टॉपिक समझाया था तब काफी डिटेल में इस चीज को बताया था। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, कहाँ से पहले एयर जा रही है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, और एट द एंड आपके कहाँ पर आ रही है। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एयर हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में आती है, उसके बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से वो नेजल कैविटी में चली जाती है। हमने पढ़ा था कि हमारी नेजल कैविटी डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, उस पार्ट्स में हमारी क्या है? म्यूकस है और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एयर को इक्वलाइज करते हैं हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के। उसके बाद यहां से होते हुए अंदर इंटरनल नोस्ट्रिल्स आ जाते हैं, वहां से एयर पास होते होते फेरिंग्स में चली जाती है। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसी ओपनिंग है जहां पर क्या है, बहुत सारी बाकी ओपनिंग्स का रास्ता है, यानी कि यहां से आपका ओसोफेगस भी जा रहा है, यहां से आपकी लेरिंग्स भी जा रही है, यहां पे आपका माउथ पार्ट भी ओपन हो रहा है, यहां पे आपकी नेजल कैविटी से भी आ रही है यानी पाथ आ रहा है। सो फेरिंग्स आपका एक मेजर भीज का, जिसको मैंने आपको पहले भी कहा था ड्राइंग रूम कह लें इसको या टीवी लॉन्च कह लें, आपकी बॉडी का ये वो पार्ट है जहां पे बहुत सारी जगहों की ओपनिंग है। यहां से फिर एयर होती भी आपके लेरिंग्स में आ जाती है। बैक साइड पे ओसोफेगस है, आगे लेरिंग्स है, लेरिंग्स के पास यहाँ पे ये आपका एपिग्लॉटिक्स है। ठीक है, इसके बाद लेरिंग्स होते हुए जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं आपके लेरिंग्स को, फिर वो भी आगे कंटिन्यू हो जाता है ट्रेकिया में।
ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है, एक ब्रोंकाई एक लंग में चली जाती है, दूसरा दूसरी साइड में चली जाती है, फिर वो ब्रोंकाई आगे फर्दर प्रोग्रेसिवली डिवाइड होती है और ब्रोंकियोल्स बना देती हैं, वो ब्रोंकियोल्स अगेन आगे डिवाइड होती हैं, एल्वियोलर डक्ट बना देती हैं, और एल्वियोलर डक्ट के एंड पे आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम है एल्वियोलाई, ठीक हो गया। यहाँ एल्वियोलाई तक जब एयर आती है तो एल्वियोलाई में फिर आपकी एयर की एक्सचेंज होती है थ्रू दीज कैपिलरीज। आपने पढ़ा था कि एल्वियोलाई भी सिंगल सेल थिक होते हैं, हमारी जो कैपिलरीज है वो भी सिंगल सेल थिक होती है, ठीक है। सो ये कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती है। एल्वियोलाई में जो एयर आई है उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो आपकी कैपिलरी में चली जाएगी, और कैपिलरी में जो आपका ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई में आ जाएगी और फिर वापस आगे चली जाएगी, ठीक हो गया। सो यहां तक ये जो आपने पूरा पढ़ा ये तो आपका था एयर पैसेज है। अब अगर हम लंग्स को देखते हैं तो लंग्स आपका जैसे आपकी डिवाइड होती है तो वो एक लंग की तरफ चली जाती है, ठीक है। आगे का पूरा जो आपका एयर पैसेज है वो एक लंग के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट है? टू लंग्स प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हो पेयर ऑफ लंग है, और वो कहां पे है? हमारी चेस्ट कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में है, और हमारी रिब्स के अंदर है। हमारी रिब्स उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपने पढ़ा था 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और हमारे लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम है। ये हेल्प करता है जब ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी कर रही होती है तो ये हमारी जो लंग्स है उनको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है और राइट लंग थोड़ा सा बड़ा है, और लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स होते हैं जबकि राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, 3 लोब्स हैं और 2 लोब्स हैं, सॉरी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारे लंग हैं वो स्पॉन्ज लाइक मटेरियल हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इजीली हो जाते हैं। स्पॉन्ज मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर आप अपने घर का स्पॉन्ज देखो जिससे आप बर्तन धो रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होने की क्वालिटी वो रखता है, तो इसी तरह हमारे लंग्स हैं ये भी एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी रखते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अलावा इन्होंने हमने पढ़ा था कि लंग्स के आउटर साइड पर मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स जिनका नाम था आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड था जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को जब ये एक्सपैंड और रिलैक्स कर रही होती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज जो यहां पर आके हो रही है वो कैसे हो रही है, तो उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 2 स्टेप्स हमने पढ़े थे, ठीक है। इंस्पायरेशन मतलब आप सांस का अंदर लेके जाना, आपकी एयर जो है वो अंदर जाना, और एक्सपायरेशन मींस बाहर आना, सांस का एयर का बाहर आपकी बॉडी से आना। उसमें ये 5 पॉइंट्स थे। हमने फिर मैकेनिज्म में इन 5 पार्ट्स को डिस्कस करना है कि इन 5 पार्ट्स ने इंस्पायरेशन में क्या किया और एक्सपायरेशन में क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिब मसल्स को अगर हम देखें तो वो उन्होंने इंस्पायरेशन में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे और जबकि एक्सपायरेशन में रिब मसल्स रिलैक्स हो गए थे। रिब्स रेज हो गई थी यानी कि बाहर की तरफ आ गई थी, और एक्सपायरेशन में रिब्स लोअर यानी कि बैक अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे चले गई थी। इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, यानी कि ये जो आपका डायफ्राम बना हुआ है ये स्ट्रेट हो गया था, खिंच गया था, और जब स्ट्रेट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे ऐसे स्ट्रेट हो गया यानी कि लोअर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लोअर हो गया। जबकि एक्सपायरेशन में आपका डायफ्राम रिलैक्स हो गया और रेज हो गया यानी अपनी डोम शेप में वापिस आ गया। उसके बाद एरिया की बात करें तो इंस्पायरेशन में जब ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होंगी तो एरिया इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जबकि एक्सपायरेशन में एरिया डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद अगर प्रेशर की बात करें तो इंस्पायरेशन में प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और एक्सपायरेशन में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इंस्पायरेशन में डिक्रीज अंदर आपकी लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तभी आपकी बाहर से एयर रश करेगी अंदर को, ठीक है, और एक्सपायरेशन में अंदर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा आपके लंग्स के ऊपर तभी तो आपकी जो गैसेस है वो उनको यहां से पुश आउट मिलेगा और वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स थे, यानी कि ये 5 पार्ट्स हैं जिनको आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में बताना है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। इसके बाद अगर हम नीचे अपनी बुक के पेज को अगर आप देखो तो उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो एज अ शॉर्ट आपने उसको याद करना है। क्या याद रखनी है? पहली बात तो ये कि ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना होता है, 16-20 टाइम्स पर मिनट, जबकि जब हम कोई हार्ड फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट
30-40 टाइम्स पर मिनट चला जाता है। इसके अलावा वहां पे एक पॉइंट और है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बताती है कि आपने आपकी बॉडी ने क्या, यानी आपकी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज्म फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं बताती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बताती है। इसके अलावा अगर आप इससे नेक्स्ट वाला पेज देखो अपनी बुक का पेज नंबर 8, तो वहां पे एक छोटा सा उन्होंने टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर के अंदर आपकी गैसेस की कंसंट्रेशन को, यानी परसेंटेज को बताया कि इंस्पायर एयर में आपकी ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज और एक्सपायर एयर में क्या है। सो आपने इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने जब लेक्चर्स में पढ़ा था तो बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। अभी जस्ट मैं आपको उसकी आउटलाइन बताऊंगी। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े थे। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन एनी टू, वो नेम बता देंगे आपको, या किसी 3 का नेम बता देंगे, किसी 1 का नेम आपको दे देंगे, उसके ऊपर कहेंगे नोट लिखें। ठीक है, तो आपने उसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने वो चीज यहाँ पे आपको बता दी है कि आपने पहले उसकी हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका कॉज है तो वो बताएं, टाइप है तो वो बताएं, सिम्टम है तो वो बताएं, अगर ट्रीटमेंट है तो वो बता दें, और उसके बाद डायग्राम बना दें। ठीक है, तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे 5 थे। फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस, देन एम्फिजीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। चले हम वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या था? ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये जलन है हमारी बॉडी में, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में अगर आपको जलन होती है तो वो जलन का जो डिसऑर्डर का नाम है वो है ब्रोंकाइटिस। इसका कॉज क्या था? इसका कॉज वायरस था, बैक्टीरिया था, या फिर ऐसे केमिकल इरिटेंट जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, वो चाहे स्मोक हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, जो टाइप्स 2 टाइप्स की थी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक आगे एक्सटेंड कर जाता है। इसके जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे वो सिम्टम्स उसके थे कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, आपको कफ होती है, कफ के साथ आपकी जो आवाज है, जो सांस लेना है उसमें हल्की सी आवाज आती है, आपको बुखार हो जाता है। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स थे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे, जिसका नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं उनकी असल में जो अस्थमा के अंदर प्रॉब्लम आती है, ऐसे में एल्वियोलाई की जो अंदर इनफोल्डिंग होती हैं वो खराब हो जाती हैं। नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई में बहुत सारी इनफोल्डिंग होती हैं, जबकि जो एम्फिजीमा का पेशेंट है उसकी एल्वियोलाई की जो इनफोल्डिंग है वो टूट जाती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जब वो बैक्टीरिया वायरस जो भी कोई एजेंट होता है वो एल्वियोलाई तक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियोल से आगे चला जाता है, एल्वियोलाई में जाके बैठ जाता है, वहां जाके खुद को इंक्रीज करना शुरू करता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी इनफोल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो इसके आ जाते हैं कि आपको अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, थकावट फील होती है, बुखार बार बार होता है, और इसके साथ साथ आपका वेट भी कम होता रहता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जब तक हमें इसके ये सिम्टम्स पता चलते हैं हमारे में 50-70% जो हमारा लंग का टिश्यू है वो डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, सो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन काफी आ जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा निमोनिया। तो निमोनिया में इन्फेक्शन था लंग के अंदर, अगर एक लंग में इन्फेक्शन होता है तो वो जस्ट निमोनिया है, लेकिन अगर 2 लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो डबल निमोनिया हो जाता है। तो इसके अगेन जो एजेंट्स हैं, जो कॉज उनसे है, वो वायरस बैक्टीरिया ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम आपकी बुक में दिया गया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, उसकी वजह से निमोनिया ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके सिम्टम्स भी अगेन वही है कि आपको ब्रेथ लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, कफ होती है, वीजिंग साउंड आ जाती है। फिर इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो निमोनिया, वो जो आपका एजेंट था ना, वो एल्वियोलाई में जाके बैठता है, अपना नंबर जब इंक्रीज करता है तो जाहिर है एल्वियोलाई में फिर आपका जो अपना बॉडी का मैकेनिज्म है ना, वो भी किसी एजेंट के अगेंस्ट अपनी काम थोड़ा सा कुछ ना कुछ करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्वियोलाई में पस की फ्लूइड की
की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे फिर जब एल्वियोलाई की वॉल्स भी आपकी डैमेज हो रही होती हैं, पस भी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसके सिम्टम में एक सिम्टम ये भी है कि जब आपको कफ आती है, खांसी आती है, उसके साथ जो थूक आता है जिसको बलगम भी कहते हैं, उसमें ब्लड भी आता है। इसके अलावा पेशेंट की जो स्किन का कलर है वो कह लो कि पर्पलिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर है ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं प्रॉपरली मिल रही, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो बॉडी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ने बहुत सारी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बना ली हैं, वो दी जाती हैं, तो काफ़ी हद तक इसका क्योर हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एस्थमा। एस्थमा की डेफिनेशन अगेन ये भी इन्फ्लेमेशन ही है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, किसी भी ट्यूब में, किसी भी जगह पर जब पॉजिटिव एजेंट आके अटैच होता है तो जाहिर है आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट म्यूकस की सिक्रीशन करती है और आपकी जो वो ट्यूब है उसमें जो स्पेस है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है आपकी वो ट्यूब, तो हवा जिन से वो इजिली उसमें से क्रॉस पास नहीं कर पाती है। इसके अगेन कॉजेज बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एलर्जी, जिन जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है, चाहे वो डस्ट एलर्जी है, स्मोक एलर्जी है, परफ्यूम से होती है, पोलन ग्रेन से होती है, वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं, सो इसके ये सब कॉज हैं। सिम्टम्स अगेन वही हैं कि इसके अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, खांसी आती है, आपकी चेस्ट टाइट टाइट आपको फील होती है, दर्द होता है वहाँ पर, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी भी ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ने बहुत सारे केमिकल्स यानी मेडिसिंस बनाई हैं, और इसके अलावा अगर अस्थमा का प्रॉब्लम थोड़ी सी एक लेवल ऊपर तक चली जाती है, स्वेयर हो जाती है यानी नहीं हटती है, तो फिर डॉक्टर्स इनहेलर रिकमेंड कर देते हैं कि ये आप इनहेलर अपने पास रखें। देन आ जाता है आपका लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सॉरी, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर की डेफिनेशन में आ जाता है कैंसर, जैसे कि मैं बताती भी हूँ, पिछली क्लासेस में भी बताया होगा आपको टीचर्स ने कि कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है, तो जिस भी ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल शुरू हो जाती है वो उस ऑर्गन का कैंसर बन जाता है। तो अगर लंग्स के अंदर, लंग एक ऑर्गन है ना, तो उसकी जो सेल्स जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू करते हैं तो वहां पे वो लंग कैंसर का आप उसको नाम दे देते हो कि एक जगह पे बहुत ज्यादा गिल्टी की फॉर्मेशन शुरू हो गई और भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। इसका कॉज आप मोस्टली जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह, सिगरेट खैर उससे तो सब, ये जितनी भी आपकी आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पड़े हैं वो सारे सिगरेट की स्मोक से होते ही होते हैं, लेकिन लंग कैंसर के चांसेस भी आ जाते हैं उसमें। उसके अलावा आपकी जो आयनाइजेशन रेडिएशन हैं, यानी कि जो लोग रेडिएशन के बीच में काम करते हैं, तो उनमें केसेस ज़्यादा कि उनको लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा उन लोगों में भी चांसेस हैं लंग कैंसर होने की जो कि ऐसे इंसान के पास बैठते हैं जो कि सिगरेट पीता है, ठीक है, ऑल्दो आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान की जोन में रहते हो जो सिगरेट पीते हैं, दिन में उनके 5-5, 6-6 पी रहे हो, आप उसके साथ बैठे हो, उसको तो होना ही होना है, चांसेस हैं ही हैं, आप में भी चांसेस आ जाते हैं लंग कैंसर के। इसके अलावा इसके सिम्टम्स, अगेन इसके सिम्टम्स में जो हमने पीछे पढ़े हैं वही सब चीज़ें आ जाती हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर होता है, वीजिंग साउंड आ जाती है इसमें, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसको रोकने के लिए ये कर सकते हैं कि हम, वैसे तो हम खुद भी मेजॉरिटी, हर कोई पसंद नहीं करता सिगरेट स्मोकर के पास बैठने को, हम खुद ही से कह देते हैं कि भाई इसको प्लीज बंद कर दें या फिर यहाँ से उठ के चले जाएं, और अगर वो नहीं सुनते तो हम वहाँ से उठ के साइड पे हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो मीडिया है उसके थ्रू भी अवेयरनेस दी जाती है, अगर आप अपनी ड्रामाज में देखो, अगर कभी कोई वहाँ पे कुछ ऐसा वो पी रहे होते हैं सिगरेट वगैरह, तो नीचे लिखा आ जाता है कि तंबाकू नोशी मना है, या अगर आप फिल्म देखो तो उसके भी स्टार्टिंग में इसका ऐड दिया जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, और पढ़ा क्या था कि नॉट ओनली आर लंग्स बट आर होल बॉडी गेट इफेक्टेड, कि सिर्फ स्मोकिंग से लंग्स ही इफेक्ट नहीं होते हैं, हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, हेड टू टो हमारी बॉडी इफेक्ट हो रही है, हमारा ब्रेन, हमारे टीथ, हमारा माउथ, फिर हमारे बॉडी में आपकी जो आर्टरी वेन्स आ जाती हैं, इवन ब्लड आ जाता है, फुट आ जाते हैं, आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो आ जाते हैं, वो सब आपकी जो लंग, ये स्मोकिंग है, स्मोक से इफेक्ट होते हैं। वो बाकी सारे डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है। हमारा चैप्टर यहाँ हो गया कंप्लीट, आपको मैंने बताया था चैप्टर का फर्स्ट हाफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे है, सेकंड हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे है, फर्स्ट लॉन्ग जो है वो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, और सेकंड लॉन्ग आपका राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, और आप
कॉपी या नीट कॉपी, जिस भी कॉपी पे आप अपना काम लिख रहे हैं उसके ऊपर इसको लिखना है। आप जब आओगे तो मैं चेक करूंगी इसको। इसके अलावा आपने कहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा बता दे, तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ आपने इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे रिलाय नहीं करना है, आपने पूरी बुक पूरा टॉपिक अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल, व्हाट आर एल्वियोलर डक्ट्स, डिफाइन एल्वियोलस, व्हाट इज एस्थमा, डिफाइन ब्रीदिंग, व्हाट आर ब्रोंकियोल्स, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, डिफाइन ब्रोंकस, डिफाइन डायाफ्राम, व्हाट इज एम्फाइसीमा, व्हाट इज एक्सहेलेशन, व्हाट इज इनहेलेशन, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, डिफाइन लैरिंग्स, डिफाइन लेंटिसेल्स, व्हाट इज नेजल कैविटी, डिफाइन नोस्ट्रिल, डिफाइन निमोनिया, what do you know about double pneumonia, what is trachea, define vocal cord, how speech is produced। इसके अलावा आपके जो ब्लू बॉक्स हैं आपने उनको भी स्किप नहीं करना। ब्लू बॉक्स में से भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइक व्हेन द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड, व्हाट डू यू नो अबाउट निकोटीन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हैं बुक की किसी भी लाइन को, किसी भी स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन के लिए यानी क्वेश्चन उसके ऊपर बना सकते हैं और आपको दे सकते हैं। आपने स्किप कुछ नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ आपने याद करना है। इसके अलावा आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डायग्राम जहाँ हो सकती है पॉसिबल है तो आप बनाए डायग्राम को, अपनी एयर पैसेजवे को अच्छे से याद करें कहाँ से कहाँ तक का है। अल्लाह हाफिज़।